नमस्कार। धनु राशि बहुत महत्वपूर्ण राशि है। धनु राशि के अभी पंचम भाव में राहु और बृहस्पति का चांडाल योग, गुरु चांडाल योग बना है। ये कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है कि ये राहु और बृहस्पति का चांडाल योग हानिकारक होता है, नुकसान देता है। सभी भाइयों को कहना चाहूँगा, डरने की, घबराने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि स्थान में जब राहु और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है गोचर में, तो उस बृहस्पति की दृष्टि धनु भाव पर पूर्ण रूप से होगी। इसीलिए धनु राशि के लिए सफलता के अवसर चारों तरफ से खुलते हुए दिखाई देंगे। आपकी संतान के विवाह होंगे, आपकी संतान की उन्नति होगी, एजुकेशन और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और धनु राशि वालों के लिए कई बार ऐसी ऐसी सफलताएं भी आने वाली हैं अक्टूबर तक। केतु जो है झंडे का प्रतीक है, इसको संस्कृत में ज्योतिष की भाषा में शिखी नाम दिया है। शिखी, शिखी मतलब जिसका झंडा ऊंचा होता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो केतु एकादश भाव में जो चल रहा है गोचर में धनु राशि के, तो इनका झंडा ऊंचा करेगा। मान सम्मान, प्रमोशन, तरक्की, व्यापार में नए प्रकार की उपलब्धियां आपको प्राप्त होने वाली हैं। धनु राशि वाले चिड़चिड़े और जिद्दी स्वभाव के होते हैं, इनको मूडी बोलते हैं। मूड आया तो काम करेंगे, नहीं तो अगर किसी के लिए खुश हो गए तो उनको अपार कृपा बरसा देते हैं, अगर गुस्सा आ गया तो अपनी माँ और पिता, भाई बहनों की बात भी नहीं सुनते। इनकी एक विशेषता है, अगर कोई व्यक्ति इन्हें प्यार से कोई काम कहे, प्लीज़ ये मेरा काम कर दो, तो वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। झाड़ू भी लगाएंगे, गंदगी भी उठाएंगे, लेकिन प्यार से। इसीलिए धनु राशि का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि वो प्यार से मानता है, और ऐसे व्यक्ति अपने सलाहकारों की बात बहुत जल्दी मानते हैं और दुविधा में रहते हैं, डबल माइंडेड, डिसीजन लेने में बड़े कमज़ोर होते हैं। लेकिन मन में अगर ठान लिया कि हाँ ये जच गई, कोई बात जचती है, तो उसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको करने से उनको लाभ भी होता है। इसीलिए अभी जो बृहस्पति इनके लिए अच्छे अवसर लाया है, और बृहस्पति मंगल शनि प्राक्रम भाव में है, तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा भी पृथ्वी पर आए तो धनु राशि का भला करने से रोक नहीं सकता, अर्थात धनु राशि का भला निरंतर होगा। सन 2025 तक जितने अच्छे अच्छे लाभ लेने हैं, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, पद, प्रतिष्ठा, गाड़ी, शुभ काम करने हैं, संतान के प्रति दायित्व आपको पूरा करना है तो आप कर लीजिए। उसके बाद 2-2.5 साल बाद देखी जाएगी कौन सा ग्रह आएगा, शनि की ढही आएगी, वो बाद की बात है, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो बृहस्पति इनका स्वामी है धनु राशि का। विष्णु जी की उपासना, ओम विष्णवे नमः, पुखराज धारण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आपके लिए 12 अक्षरों का मंत्र। 12 ही राशि है इस संसार में, 12 ही प्रकार के व्यक्ति हैं, 12 ही महीने हैं और 12 ही संक्रांति हैं, 12 राशि हैं। तो ये 12 अक्षरी मंत्र आप जपेंगे तो आपके सब कार्य सिद्ध होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।